जैसे आज दुनिया के अंदर ये चीज का बड़ा तस्करा है ना कि भाई किसी की प्राइवेट जिंदगी मुतासर नहीं करनी चाहिए। हाँ, किसी की प्राइवेट जिंदगी मुतासर नहीं करनी चाहिए। तो ये शरीयत ने सारा सदियों पहले इस बात की तलकीन फरमाई है कि एक आदमी अपनी प्राइवेट जिंदगी में है, अपने घर में है, अपनी निजी जिंदगी में है, अपनी किसी खास मसरूफियत के अंदर है और उसके पास कुछ फाइलें पड़ी हैं, कुछ कागजात पड़े हैं, कुछ डॉक्यूमेंट पड़ी हुई हैं, कुछ राज की चीजें पड़ी हुई हैं, तो तुम ऐसे ही अंदर मत दाखिल हो, इजाजत ले लो, ताकि वो उन चीजों को संभाल ले जिस पर लोगों की नजर डालना उसे पसंद नहीं है, जिससे लोगों का आगाह होना उसे नागवार है, जिसे वो लोगों से छुपाना चाहता है, जो लोगों को बताना नहीं चाहता। तो पहले वो चीजें समेट ले, चाहे उसका अपना जाति दफ्तर है, चाहे उसका जाति घर है, जो भी उसकी प्राइवेट जिंदगी है, तो वहां जब दाखिल हो तो पहले इजाजत लो। अब उसके पास कुछ ऐसे कागजात हैं, कुछ ऐसा सिलसिला है, ऐसी दस्तावेजात हैं, कुछ ऐसे उसकी राज की बातें हैं, कुछ ऐसी इनफरादी चीजें हैं, वो नहीं चाहता कि इस हाल में किसी की नजर पड़े, तो इजाजत लो, इजाजत लो, ताकि उसे पता चले बाहर कौन है और उसके मुताबिक फिर वो अंदर का माहौल बना ले, अंदर का माहौल बना ले। तो जाहिर है कि ये शरीयत ने सालह साल पहले बताया कि किसी की प्राइवेट जिंदगी को यूं ही मुतासर मत करो, ये उसके लिए तकलीफ का बायस है, इजाजत लो। तुम्हें अपने कमरे में दाखिल होने की इजाजत दे दे, दफ्तर में आने की इजाजत दे दे, अपने घर में आने की इजाजत दे दे, अपनी निजी जिंदगी के अंदर तुम्हें आने की इजाजत दे दे, न दे वापस चले जाओ। इसलिए कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हर आदमी को आदमी नहीं दिखाना चाहता और हर आदमी के सामने उसे नहीं रखना चाहता और हर आदमी की उसके ऊपर नजर पड़े उसे पसंद नहीं है। तो एक आदमी आया और फौरन अंदर दाखिल हो गया, ना भाई ऐसा नहीं है। तो ये एक शरीयत का उसूल है जो सदियों पहले शरीयत ने मुकर्रर फरमाया, फरमाया देखो इसमें तुम्हारे लिए बेहतरी है, इसमें तुम्हारे लिए बेहतरी है। इसलिए शरीयत ने फरमाया कि पहले इजाजत लो और इजाजत के साथ जब दाखिल होने लगो तो सलाम करो। और इजाजत लेने की कई सूरतें हैं, आदमी घंटी बजा सकता है, मोबाइल के अंदर मैसेज दे सकता है, दरवाजा खटखटा सकता है, हजार सूरतें हैं आज नई दुनिया के अंदर इजाजत लेने की और खबरदार करने की। तो उसका तस्करा फरमाया, हाँ कोई अवामी मरकज है और अवामी जगह है जहां प्राइवेट जिंदगी का कोई सिलसिला नहीं है, हर शख्स का आना जाना है, तो वहां इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। एयरपोर्ट है, स्टेशन है, ऐसी कोई अवामी जगह है तो वहां इजाजत लेने की जरूरत नहीं जहां तुम्हारा कोई काम है। और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम जाहिर कर रहे हो, जो कुछ तुम छुपा रहे हो, सब अल्लाह के इल्म में है। लेकिन तुम्हें माशरती जिंदगी का ये एक अदब बताया है, इसमें तुम्हारी जाती जिंदगी का बड़ा तहफ्फुज है, इसमें शर्म हया का बड़ी हिफाजत है, इसमें पर्दे का बड़ा लिहाज है, इसमें जिसे कहें कि घरेलू जिंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो आदमी किसी के सामने नहीं देखना चाहता, या खुद खवातीन घर में बस औकात आजाद जिंदगी में बैठी होती हैं अपने लिबास में, लेकिन वो नहीं चाहती कि इस हाल में किसी और की हम पे नजर पड़े, तो वो संभल जाएं, अपना लिबास ठीक कर लें, अपनी चादर ठीक कर लें, मर्द अलग हो जाएं, औरतें अलग हो जाएं, बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो इस पर शरीयत ने यह हुक्म बताया कि इजाजत लिए बगैर घर में दाखिल रहो, पहले इजाजत लो और फिर अगर वो उस वक्त मौके पे वो अपने हाथ में नहीं बुलाना चाहते, उनके कुछ मसाइल हैं, कुछ ऐसी चीज है, तो तुम खुशी के साथ वापस भी चले जाओ, बुरा ना मनाओ और ये उसकी उजर समझो।